हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आरसी एजुकेशन हब बानसूर और आज हम आपकी मुलाकात आरसी एजुकेशन हब के डायरेक्टर डॉक्टर विजय यादव जी से करवाते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये आपसे कि हमने सुना है कि जो 26 तारीख को आरसी एजुकेशन हब में बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, तो आप उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। 26 जून को आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह कृष्ण जी आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में कई प्रकार के सम्मान समारोह हमने रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक टैलेंट सर्च एग्जाम आरसीआई एजुकेशन ग्रुप की ओर से करवाया था। उसमें लगभग 9000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बिल्कुल, उन सब विद्यार्थियों की नानस्वर सीट जो है वो जांच होकर के तैयार हो चुकी है, उनका रिजल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले तो जो उसके टॉपर्स जो 50 स्टूडेंट्स हैं, उन 50 स्टूडेंट्स का हमारे को सम्मान समारोह आयोजित करना है। उसमें जैसे टॉप फर्स्ट जो स्टूडेंट्स होगा उसको 100% स्कॉलरशिप, उसके साथ में 11,000 रुपये नगद पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। सेकेंड पोजिशन पर जो बच्चा रहेगा उस बच्चे को 5100 प्लस में वही 100% स्कॉलरशिप, ऐसे फिर थर्ड पोजिशन का बच्चा है उसको 3100 प्लस में वही स्कॉलरशिप 100%, ऐसे 50 स्टूडेंट्स तक हम बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो उस सम्मान समारोह का आयोजन भी 26 जून को होना है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से सभी बोर्ड जो कक्षाएं उनका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा चुका है। बिल्कुल, जैसा कि पूरे क्षेत्र को पता है, आप भी हमारे इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम कि आरसीआई के रिजल्ट्स हमेशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो विद्यार्थियों के आते रहे हैं। बिल्कुल, और उसी बेला में जी इस बार के सभी बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं, 12वीं साइंस, 10वीं क्लास, 8वीं क्लास, 5वीं क्लास, इन सब बोर्ड कक्षाओं के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट्स क्षेत्र में टॉप में आए हैं। बिल्कुल सर, हमारे स्कूल से साइंस की बात करें तो 90 प्लस के सर्वाधिक स्टूडेंट्स आरसीआई से हैं। बिल्कुल, टॉपर मैथ का बच्चा आरसीआई से है। बिल्कुल, बायोलॉजी का जो बच्चा है वो आरसीआई से है। बिल्कुल सर, 12वीं एग्रीकल्चर का जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो आरसीआई का है। बिल्कुल, और 12th में चूंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी 8 सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें जो टॉपर छात्र है वो भी हमारे आरसीआई की है। बिल्कुल, अब इस खुशी में हम चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों का भी सम्मान समारोह किया जाए, वो भी इसी 26 जून को हम आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ जैसे कि आरसीआई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 10-11 साल का हमारा समय हुआ है, इसके बावजूद भी आरसीआई से पढ़े हुए हमारे जो विद्यार्थी हैं जी, उनका आरएस में, आईपीएस में, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, गेल में, बहुत अच्छी अच्छी सर्विस में हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सर्विस कर रहे हैं जी। और हमारे मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन लिया गया कि सर कैसे भी हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रेड या फिर टॉपर्स में जैसे डॉक्टर्स हैं, आरएस हैं, आईपीएस हैं, इस प्रकार की जो अच्छी सर्विस अभी कर रहे हैं उसको फर्स्ट वेला में हम उन सबको, उनके अभिभावकों भी सम्मान समारोह में हम सम्मिलित कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके बाद में एक जो सम्मान समारोह हम जो आयोजित करना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ जो स्टाफ है हम केवल एक बार मोटिवेट करते हैं, केवल एक बार उनको समझाते हैं। बिल्कुल, उसके बाद में खुद अपने मन से हमारे इन बच्चों के साथ में बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ में तैयारी करवाते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स जो हमेशा आरसीआई के टॉप आए हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मेरा स्टाफ। बिल्कुल सर, मेरी जो टीम, तो उस टीम का सम्मान समारोह भी होना है जिसमें वो 8th में पढ़ाने वाला, जैसे हमारे लगभग 85 स्टूडेंट्स ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुए हैं जी, 85% स्टूडेंट्स, मतलब जैसे 47 में से 40 बच्चे अगर माना ए ग्रेड से आ रहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स जी, 100% रिजल्ट्स के साथ साथ में क्वालिटी के साथ में जो रिजल्ट्स आता है, तो इन सब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए और क्षेत्र में हमारा जो रिजल्ट आया है उसके लिए जो भी सहयोग है उन सबका सम्मान समारोह हम आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सर जैसा कि हम सबको पता है कि आरसी हमेशा से ही जो अलवर जिला है उसमें टॉप पोजिशन में आता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर आरसी एजुकेशन में आप कौन कौन से चीज़ें संचालित करते हैं, कौन कौन से एजुकेशन ग्रुप संचालित करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए जिससे दर्शकों को पता चल सके कि आरसीआई में कौन कौन से डिवीजन में जाकर वो अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने किशन जी। आरसीआई 2010 22 अप्रैल 2010 में एक कोचिंग के रूप में शुरुआत हुई और 2013 में हम एक स्कूल के रूप में यहाँ बानसूर में एक क्वालिटी एजुकेशन और क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उनको एक बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा माहौल देने के लिए हमने विचार करके और इस आरसीआई की शुरुआत की है। हमने इस आरसीआई ग्रुप की जो शुरुआत की एक हिंदी मीडियम स्कूल के रूप में की और 2013 में जब शुरुआत की उसी दिन से आरसीआई स्कूल्स के रिजल्ट्स की यदि मैं बात करूँ हिंदी मीडियम स्टेट मेरिट जिला मेरिट जब आजकल तो क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसे कि मेरिट्स देना बंद कर दिए बाकी उससे पहले अलवर जिले की फर्स्ट जो पोजीशन है वो आरसीआई स्कूल से आई हुई है। मैं स्टेट मेरिट के साथ साथ जिला मेरिट हर साल आरसीआई स्कूल से आई हुई है। उसके बाद में जब से ये मेरिट जो है इसको खत्म किया उसके बाद जो टॉपर्स हैं साइंस के जैसे और आर्ट के जो बच्चे जो टॉपर्स हैं कॉमर्स के जो टॉपर्स बच्चे निकले हुए हैं वो आरसीआई ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर्स निकले हुए हैं। तो यहाँ उसी बेला में सबसे पहले हमने आरसीआई हिंदी मीडियम आरबीएससी स्कूल 12th तक का हमने संचालित कर रखा है। बिल्कुल सर, इसमें स्टूडेंट्स जो है एग्रीकल्चर मैथ्स बायोलॉजी आर्ट्स ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आरबीएससी का हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल भी संचालित है। उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी स्टूडेंट्स 12वीं क्लास तक जैसे कि 11वीं 12वीं में बायोलॉजी ले सकता है, मैथ्स ले सकते हैं, आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसे आरबीएससी के हमारे यहाँ दो स्कूल संचालित हैं, आरबीएससी हिंदी मीडियम और आरबीएससी इंग्लिश मीडियम। इसके साथ साथ ही जैसे जैसे अभिभावक जो है उनका विश्वास बढ़ा, अभिभावकों की डिमांड बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फिर सीबीएसई की ओर बढ़ना पड़ा। तो आरसीआई का जो तीसरा ब्लॉक है सीबीएसई के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है, वो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में संचालित है। उसमें हमारे मैथ्स और बायोलॉजी जो है जी, वो बच्चों को इसमें साइंस जो ग्रुप है इसमें स्ट्रीम में दिया जाता है। इसके बाद में फिर जो बच्चे 12वीं कर लेते तो उनकी डिमांड थी सर हमारे जो बच्चे हैं बच्चियाँ इनको शहर में जा कर के वहाँ माहौल ठीक नहीं मिल पा रहा है और पेरेंट्स के विश्वास अभिभावकों की डिमांड और विद्यार्थियों की डिमांड के अकॉर्डिंग फिर हमें विचार करना पड़ा था। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या कि आरसीआई कॉलेज उसका कैंपस अलग है जी। बिल्कुल, जैसे अपन जहाँ बैठे हुए हैं ये स्कूल का कैंपस जी, इसमें सबसे पहले जो कैंपस है वो हमारा हिंदी मीडियम का है, फिर उसके बाद में हमारा हॉस्टल के कैंपस है, फिर लास्ट में अपन चलते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के कैंपस है और लगभग 8 बीघा में हमारे जो स्कूल का जो कैंपस फैला हुआ है। तो इसके बाद में फिर पेरेंट्स की जो डिमांड थी उस डिमांड के अकॉर्डिंग फिर हमें कॉलेज में जाना पड़ा, लेकिन कॉलेज की क्वालिटी को और बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि कंपटीशन में लास्ट में उनको जाना है जी। कॉलेज में यदि माना कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया जी, ग्रेजुएशन के बाद में फिर वो कंपटीशन की ओर शहरों में जाते हैं। बिल्कुल, तो शहरों का जैसा कंपटीशन का माहौल कॉलेज शिक्षा के साथ में बच्चों को मिले इसके लिए हमने यहाँ कॉलेज के साथ में विद्यार्थी कंपटीशन में बिल्कुल सर एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन की बच्चा तैयारी करना चाहे वो कॉलेज के साथ में उसको करनी पड़ेगी तो बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है। इसके साथ में यदि कॉलेज के साथ में बच्चे को डिफेंस साइड में जाना है जी, तो डिफेंस में नेवी एयरफोर्स एनडीए विशेषकर एनडीए के सेपरेट बैच इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के एक्स ग्रुप वाई ग्रुप इस प्रकार से सेपरेट बैच यहाँ चलते हैं। फैकल्टियाँ जो हैं कंप्लीट मैंने सेपरेट सीकर नागौर जयपुर से यहाँ लगा रखी हैं और हमारा जो टारगेट है जी आरसीआई शिक्षा ग्रुप का यहाँ के जो स्टाफ्स हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है उसका सबका एक ही टारगेट है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अलवर जिले के जो बच्चे दूसरे जिले में जाकर के पढ़ना चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे ही नज़रों में रह करके अभिभावकों के संपर्क में रह करके यहीं रह करके वो अच्छी तैयारी करें। और एनडीए में इसी वजह तो फर्स्ट ही हमने एग्ज़ाम दिलवाया है, पहला ही बैच हमारा था जिसमें अलवर जिले से पहली बार एनडीए और नेवी में फर्स्ट बैच में हमने सिलेक्शन दिए। बिल्कुल, उन बच्चों का भी 26 तारीख को सम्मान समारोह में आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है कि डिफेंस जो है अगर कोई बच्चा करेगा तो कॉलेज के साथ डिफेंस कॉलेज के साथ कंपटीशन ये एक नया पैटर्न भी है, बच्चों की डिमांड भी है। बिल्कुल सर, और मैं देखो तो ग्रामीण परिवेश के बच्चा अगर शहर में जाता है तो वहाँ जाकर के पता नहीं कंपटीशन के साथ में वो कहीं गलत आदतों में नहीं चला जाए जी। बिल्कुल, उन्हें बैड हैबिट्स जो है उनसे बचाने के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर रखा है। बच्चा हमारे पास यहाँ रेजिडेंशियल रह करके और आराम से तैयारी करके एक अनुशासित माहौल, एक खुला कैंपस है जी, आप देख रहे हैं कि इसके अगल बगल में चारों तरफ कैसे खुला वातावरण आपको नजर आ रहा है। बानसूर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम हैं, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों का विश्वास है कि वो बेचारे चल करके हमारे पास पहुंचते हैं। और मैं आपको भी आज बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप हमारे आरसीआई कैंपस के जो है इसको विजिट करने के लिए आप यहाँ पहुंचे। बिल्कुल, और मैं अभिभावकों को भी और आप सबको साथ में सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि आरसीआई एजुकेशन ग्रुप में जो भी विद्यार्थी आएगा जी अनुशासित
और शानदार पढ़ाई के साथ में एक उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने शानदार भविष्य के लिए यहाँ से निकल करके और फिर जाएगा। और 26 तारीख के लिए मैं चूंकि आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि जो सम्मान समारोह है इसमें जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रेड में लगे हैं या टैलेंट सर्च में जो विद्यार्थी भाग लिए हैं या फिर हमारे जो टॉपर्स विद्यार्थी हैं जो भी आपके इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सब 26 तारीख को सुबह 9 बजे कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया जाएगा, तो सुबह 9 बजे वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। इन सबके सम्मान का एक बहुत विशाल मतलब आपको बानसूर क्षेत्र में अलवर जिले में ऐसा सम्मान समारोह देखने मिलेगा कि हाँ वास्तव में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का किस प्रकार से सम्मान करके उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में जो अभिभावक या विद्यार्थी विजिट कर रहे हैं उनको भी पुनः नमस्कार।